रामकृष्ण परमहंस के वचन। रामकृष्ण परमहंस स्वयं भगवान के अवतार थे। लोगों में प्रसिद्ध था कि उनको भगवान दिखते थे। एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया, आपने भगवान को देखा है, क्या आप हमें भी भगवान दिखा सकते हैं? और भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान कैसे मिल सकेगा? श्री परमहंस ने उत्तर दिया कि संसार की हर बात ईश्वर इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने उस भक्त से कहा कि यदि तुम्हें भगवान को देखना है तो तुम्हें लगातार परिश्रम करना होगा। अगर तुम तालाब के किनारे बैठ जाओ और कहो कि इस तालाब में बहुत मछलियां हैं और मुझे मिल जाएं, तो क्या एक भी मछली तुम्हें मिलेगी? सिर्फ बात करने से तुम्हें एक मछली भी नहीं मिलेगी। मछली पाने के लिए तुम्हें मछली पकड़ने का सामान लाना होगा, मछली को दाना फेंकना पड़ेगा, तभी वो मछली गहरे पानी से निकलकर तुम्हारे कांटे में फंसेगी और तभी तुम मछली पा सकोगे। परंतु यदि तुम चाहो कि तुम चुपचाप बैठे रहो और मैं तुम्हें भगवान दिखा दूं, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी इच्छा है कि दही भी मैं जमाऊं, दही का मक्खन भी मैं निकालूं और फिर उसे तुम्हारे मुंह में डालूं। वैसे ही जैसे तुम चाहते हो कि मछली पकड़ पकड़ के मैं तुम्हें देता रहूं। तुम्हारी यह इच्छा गलत है। अगर तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने हमें यह शिक्षा दी है कि सिर्फ बैठे बैठे भगवान को नहीं पाया जा सकता, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी सच्चे गुरु की तलाश करनी होती है और बाद में गुरु के कहे अनुसार प्रयत्न करना पड़ता है, तभी हमें भगवान मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।